एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ जिसमें पोर्चुगल, जो कि बहुत अच्छी टीम है, नॉकआउट फेज में स्विट्जरलैंड के साथ खेल रही थी। और नॉकआउट में आपको पता ही है, अगर आप हार गए तो बाहर, वापस घर जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। और जब मैच शुरू हुआ, सारी दुनिया हैरान कि वर्ल्ड का जो टॉप प्लेयर है पोर्चुगल का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो बाहर बैठा था। सारे टीवी कैमरा उसके ऊपर लगे हुए थे और बहुत उदास बैठा हुआ था। इसका मतलब कोई ना कोई बात है, अगर आप आपके बेस्ट प्लेयर को जो है बेंच पे रखते हो और टीम को जो है मैदान में उतार देते हो, वो भी ऐसे मैच में जहां बहुत बड़ी रिस्क है, हार गए तो बाहर हो। तो पता लगा कि कुछ दिन पहले जब पिछले मैच में रोनाल्डो को रिप्लेस किया गया, तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने एक इशारा किया जो कि कोच को पसंद नहीं आया। ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ हमें पता नहीं, बट शायद कहीं ना कहीं उसको रिप्रिमांड किया गया कोच द्वारा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, और कोच कोच होता है। तो उसने बड़ा रिस्क लिया और रोनाल्डो को मैच में नहीं उतारा। लेकिन कमाल की बात क्या है, ये टीम बिना रोनाल्डो के, उसके आसपास खेलने वाली टीम ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराया। नॉकआउट स्टेज में 6-1 बहुत बड़ी मार्जिन है। और जिस लड़के को इसकी जगह खिलाया गया, उसने जो है 21 साल के रेमोस ने 3 गोल मारे, हैट्रिक। इससे पहले वो सिर्फ 33 मिनट खेला था इस वर्ल्ड कप में, छोटे छोटे रोल में, बार बीच बीच में आया था। लेकिन इस मैच में स्टार्ट लाइनअप में था, 3 गोल मारे और टीम को उसने 6-1 से बहुत जबरदस्त विक्ट्री दी, मोरल बूस्टिंग विक्ट्री। एंड रोनाल्डो वो बाहर बैठा रह गया। तो सीखने का सबक क्या है दोस्तों इसमें, सबसे पहली बात, नो वन इज इंडिस्पेंसेबल। आप कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, कितने ही महान प्लेयर हो, कितने बड़े कुछ भी बन जाए आप जिंदगी में, आप इंडिस्पेंसेबल नहीं हो। आपकी जगह कोई ना कोई आएगा और आपसे बेहतर काम करके जाएगा। दूसरी चीज, कभी भी आप आपके कोच, आपके मेंटोर, आपके बड़े बुजुर्ग, उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते, उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते। तो ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है, स्पेशली ऐसी चीज के अंदर जहां टीम गेम है। आर्मी में भी फाइनली वी आर टीम ऑफ टीम्स। तो टीम में आप अपने कोच, अपने सीनियर की आप जो है बेइज्जती नहीं कर सकते। और तीसरी चीज, मौका मिले तो गोल मार दो, मौका मिले तो गोल मार दो, एंड टेक दिस अपॉर्चुनिटी। जब मौका मिलता है तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स एंड देन गो ऑल आउट। दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस मैच। आया ना मजा, देखते रहो फीफा 2022।